नेकेड बाइक्स की अगर बात की जाए तो भारतीय बाजार में हाल फिलहाल आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और आज मेरे साथ में है एक और नेकेड बाइक जो कि है कीवे की तरफ से। अब कीवे ब्रांड क्या है, कब इंडिया में आया है, क्या क्या ऑफर करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, उन सभी के लिए एक वीडियो आपको अलग से मिलेगा। इस वीडियो में आपको हम देंगे कीवे K300N का डिटेल्ड वॉक अराउंड और क्या कुछ कीवे K300N के साथ में ऑफर किया जाता है, सभी की जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं NBTL लाइव। तो चलिए इस वॉक अराउंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो वॉक अराउंड की शुरुआत करने से पहले मैं इस मोटरसाइकिल की कीमत आपको बता देता हूं और कितने वेरिएंट मिलते हैं वो बता देता हूं। तो तीन कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वाइट, रेड और ब्लैक, जो कि मेरे साथ में ब्लैक जो है वो टॉप वेरिएंट होगा। कीमत की अगर बात की जाए तो 2.65 लाख रुपीज़ की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी, और ये कीमत 2.85 लाख रुपीज़ तक जाती है। 10,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिलेगा हर एक कलर के अंदर। अगर आप व्हाइट पे जाते हैं तो 2.65 लाख रुपीज़ का आएगा, रेड पे अगर आप जाएंगे तो 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे यानी कि 2.75 का हो जाएगा, और अगर आप इस ब्लैक कलर की तरफ जाएंगे तो 2.85 लाख रुपीज़ की एक शोरूम कीमत में आपको मिलेगा। तो कलर का ही डिफरेंस आपको मिलेगा तीनों वेरियंट के अंदर, अदर कोई भी फीचर जो है उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सब फीचर आपको सेम मिलते हैं। तो क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉक अराउंड की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं डिज़ाइन की तो नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर आपको ये बाइक देखने को मिलती है, जैसा कि सभी नेकेड बाइक्स आपको मिलती हैं शार्प डिज़ाइन के साथ में, तो उसी टाइप का स्टाइल आपको यहां भी देखने को मिलेगा। LED लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी बाइक के अंदर, ये DRL आपको मिल जाता है, नीचे लो बीम है ऊपर हाई बीम आपको मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED देखने को मिलते हैं, हजार्ड स्विच मिल जाता है तो चारों टर्न इंडिकेटर जो है वो ऑन हो सकते हैं। फीचर्स जितने भी आपको इस सेगमेंट में मिलने चाहिए वो सब आपको मिल जाते हैं। USD फ्रंट फोक्स आपको बाइक के फ्रंट में मिल जाएगा, और इसका जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो रोड पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। बाकी कंप्लीट फाइबर बॉडी के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, ABS के साथ में बाइक आती है। कौन सी कंपनी के डिस्क हैं वो कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर। 17 इंच का आपको ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। टायर की अगर मैं बात करूँ तो 110 सेक्शन का आपको टायर इसके फ्रंट में मिल जाता है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड में सबसे पहले टैंक की बात कर लेते हैं, जो कि आपको 12.5 लीटर का मिलता है। कीवे का लोगो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये मैट ब्लैक कलर है, हल्का सा ग्रे फिनिश आपको देखने को लगेगी। इसके बाद कीवे का स्टिकर आपको यहां पर मिलेगा, और टैंक एक्सटेंशन आप देख सकते हो जो कि काफ़ी बड़े हैं। हालांकि टैंक साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 12.5 लीटर है। उसके बाद में टैंक एक्सटेंशन की वजह से बाइक की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आती है। इसके बाद में जो इंजन यहाँ पर यूज़ किया गया है वो 292cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 4-वॉल्व इंजन है, जिसके साथ आपको 27.1 BHP की पावर मिल जाती है, 25 Nm का पीक टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। 6-स्पीड गेयरबॉक्स आपको मिलेगा, नीचे आपको इंजन गार्ड मिलता है, हालांकि ये भी आपको फाइबर पर ही दिया गया है। बाइक के अंदर आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है, क्रोम का यूज़ आपको एग्जॉस्ट के ऊपर मिलेगा। 150 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कम है। हालांकि बाइक का व्हील बेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगल राइडर हैं, सिंगल इसको चलाएंगे तो आपको कोई कमी नहीं लगती है। जबकि अगर आपके साथ में कोई भी पिलियन बैठता है तो वहाँ पर बाइक नीचे ज़रूर टच हो जाती है। एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि बाइक जो है वो नीचे टच हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको हल्का सा रफ फिनिश भी मिलेगी, नीचे आपको रियर ब्रेक पैडल मिल जाता है, फुटरेस्ट है, इनकी जो पोजीशन है वो सेंटर माउंट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना तो आपको अग्रेसिव बैठना पड़ता है और ना बहुत ज़्यादा लीन होना पड़ता है बाइक पे, तो जिसकी वजह से कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर के अंदर मिल जाता है, हालांकि थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है इसको, तो अगर आप रोड वगैरह पर चलाओगे, जो अच्छी सड़कें हैं वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ख़राब रास्तों में ये थोड़ा सा आपको फील होगा कि हार्ड है। उसके बाद रियर व्हील की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, ABS आपको मिल जाता है। अच्छी चीज़ यह है कि बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS मिल जाता है, हालांकि जो इसकी कीमत है उसके हिसाब से ये होना भी चाहिए। 17 इंच का आपको व्हील रियर में मिलेगा, 140 सेक्शन का टायर आपको इसके रियर में मिलता है, ये टायर हगर आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी मजबूत है, और नंबर प्लेट पोजिशन आपको इसी के ऊपर मिल जाती है, नंबर प्लेट लाइट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई भी मडगार्ड एक्स्ट्रा आपको यहाँ नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से बाइक का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग निकल के आता है। LED टर्न इंडिकेटर और LED टेल लैंप आपको मिल जाता है।
ग्रैब हैंडल वगैरह आपको एक्सटर्नल कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो फेयरिंग है इसी के अंदर स्पेस दिया गया है, जिसके साथ में पिलियन जो है वो पीछे पकड़कर बैठ सकता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा ये हिल रहा है। तो यही चीज़ है कि अगर कोई भी पिलियन पीछे बैठता है तो वो उतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होने वाला है। पिलियन सीट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इसकी जो चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबाई हालांकि ठीक ठाक है। तो पिलियन बैठ तो जाएगा लेकिन लॉन्ग राइड में उतना ज़्यादा कंफर्ट उसको नहीं मिलेगा। राइडर सीट की मैं बात करूँ तो इसकी जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है, प्लस यहाँ पर जो साइज़ है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है। टॉप व्यू में अगर आते हैं तो चाबी जो है वो यहाँ पर लगती है, यानी कि इग्निशन स्विच आपको यहाँ पर मिलता है। और मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बेसिक मीटर कंसोल मिलेगा इसके अंदर, जिसके अंदर बेसिक सभी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं। आप देख सकते हो डिजिटल मीटर है, यहाँ आपको स्पीड शो हो जाएगी, इधर फ्यूल शो हो जाता है, इधर आपको आरपीएम शो हो जाएंगे, यहाँ पर आपको राइडिंग मोड शो हो जाएगा, फिलहाल ये स्पोर्ट मोड में है, और कहाँ से चेंज होता है वो भी आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ आपको गियर पोजिशन मिल जाता है, इधर ओडो मिल जाएगा, इधर क्लॉक मिल जाता है, बाकी आप जो है इन बटन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिप वगैरह आप अगर आपको चेक करना है तो वो सब आप यहां से कर पाएंगे। ABS का इंडिकेशन आपको मिल जाता है, लेकिन कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। जिस प्राइस पर ये मोटरसाइकिल आ रही है तो कंपनी को देना चाहिए था। बाकी हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल पाइप आता है लेकिन एडजस्टमेंट के साथ है। हालांकि एडजस्टमेंट आपको सभी हैंडल बार्स में मिलती है, लेकिन यहाँ पर मार्किंग है जिसकी वजह से थोड़ा सा हैंडल एडजस्ट करना ईजी हो जाएगा। और स्विचेस की भी बात कर लेते हैं तो इधर आपको ये हैजार्ड स्विच मिल जाता है, जिससे आप चारों इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिल जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड है, और मैं इसको स्टार्ट करके आपको साउंड भी सुनवा देता हूँ। तो कैसा साउंड इस मोटरसाइकिल का आपको मिलेगा वो आप सुन सकते हैं। आइडियल पर कुछ इस टाइप का साउंड आता है, और अगर आप इसको रैव करेंगे तो कुछ इस टाइप का साउंड आपको इस मोटरसाइकिल से मिल जाएगा। किस मोटरसाइकिल के जैसा ये लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्विचेस की हम बात कर रहे थे तो यहाँ अगर आप आओगे दूसरे साइड में तो आपको ये मोड बटन मिल जाता है, जिससे आप इसमें मोड चेंज कर सकते हो। इको और स्पोर्ट दो मोड आपको मिलते हैं, तो दो मोड में आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद में ये आपको हॉर्न मिल जाता है, सिंगल हॉर्न है, और हॉर्न का जो स्विच है वो मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल कंपनी ने नहीं बनाया है, ना ही कंपनी ने बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट को रिसर्च किया है, क्योंकि इस टाइप का हॉर्न स्विच जो है वो नहीं देना चाहिए था। अगर यहाँ आप बाइक चला रहे हो आपका हाथ कुछ इस टाइप से आएगा, और आप देख सकते हो कितना ऊपर तक जो है हाथ लेकर आना पड़ता है इस हॉर्न को बजाने के लिए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो ज़रूर क्रिएट होता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, इधर आपको हाई बीम लो बीम और पास स्विच मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, जिसकी वजह से जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, और बाइक को जब आप चलाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 795 mm सीट हाइट के साथ में आपको मोटरसाइकिल मिलती है, और ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया 150 mm का है। वजन की अगर मैं बात करूँ तो 151 kg कर्व वेट के साथ में ये मोटरसाइकिल आती है। अगर आपकी हाइट मेरे हाइट के आसपास है, यानी कि 5'8" है या उसके आसपास है, तो आपके पैर जो है वो आराम से बाइक के ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं, आपकी हाइट 5.5 feet के आसपास भी है, तब भी आप इस बाइक को आराम से चला पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो सीट हाइट आपको कम मिलती है, दूसरा बाइक का वजन भी कम है, जिसकी वजह से आप इस बाइक को काफ़ी आराम से चला सकते हो। ट्रैफिक वगैरह में अगर बाइक को निकालना है तो वहाँ भी काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि बाइक का वजन कम है, दूसरा क्लच भी आपको जो है वो काफ़ी सपोर्ट करता है। तो क्या कुछ आपको कीवे K300N के अंदर मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है, कहाँ मिलती है वो भी बता देता हूँ। ये मोटरसाइकिल जो है वो आपको बेनेली डीलरशिप्स के साथ में मिलेगी। कीवे जो है वो बेनेली की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो बेनेली के डीलरशिप्स में ही कीवे आपको देखने को मिलेगा। पैन इंडिया लगभग 48 डीलरशिप्स हैं, थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो लगभग 48 डीलरशिप आपको पैन इंडिया मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको कीवे की K300N देखने को मिल जाएगी। कलर्स मैंने आपको बता दिए, प्राइस मैंने आपको बताया। अब आपको कैसी लगी कीवे की K300N कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।